जेल के अंदर तो कई बार ऐसा होता है कैदियों को खाना सूट कर जाता है, आते हैं दुबला पतला मोटा के चले जाते हैं कैसे कैदी यहाँ से। देखिए जेल के अंदर उसका अपना कैंटीन भी होता है जहाँ से आप अपने जरूरत की चीजों को खरीद सकते हैं। नमस्कार गाइस, कैसे हो? प्लीज बताओ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? प्लीज एंड व्हेयर फ्रॉम, प्लीज राइट इन कमेंट। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, सो बहुत सारा प्यार फ्रॉम बांग्लादेश, सो एवरीवन प्लीज से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके सो गाइस, इफ यू नीड, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माय सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस नाउ तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। खान सर, आई लव हिम, वेरी स्ट्रेटफॉरवर्ड पर्सन एंड वेरी फन लविंग पीपल आर आल्सो। तो सुपर एक्साइटेड रिएक्शन करने के लिए सो ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड विजिट। ओके तो चले शुरू करी, लेट्स स्टार्ट इट। जय श्री राम, जय हिंद। इससे पहले की वीडियो में हम आपको आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के बारे में समझा दिए थे, एफआईआर और जीरो एफआईआर बता दिए थे, और बता दिए कि चार्जशीट दायर करने के बाद जब मामला कोर्ट में चला जाता है, स्टूडेंट थोड़ा तो आपको जेल में भेज दिया जाता है अगर अपराध बड़ा है तब। अब जेल में समझते हैं कि खाना कितने टाइम दिए जाते हैं और कितने खाना दिए जाते हैं, क्या आप बाहर से जेल के अंदर खाना ले जा सकते हैं, और क्या उम्र कैद 14 साल की होती है और जेल में एक दिन 24 घंटे का न होकर क्या 12 घंटे का होता है, और फांसी की सजा सुनाते दौरान जज कलम क्यों तोड़ देता है, और फांसी से पहले कौन कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जिसे आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी की जा सकती है। देखिए जो जेल होता है वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है, और जेल की जो पुलिस होती है वो नॉर्मल पुलिस से अलग होती है, ये इसका प्रशासन पूरी तरह इस जेल प्रशासन के अंदर होता है। बहुत कम पुलिस वाले होते हैं, जो ज्यादा मिलेंगे आपको बाहर ही, अंदर पुलिस वाले बहुत कम मिलते हैं। अंदर का जितना काम होता है वो कैदी ही करते हैं। कैदी जब शुरू में जाते हैं तो उन्हें नंबर नहीं दिया जाता है, हाँ जब उनकी सजा मुकर्रर कर दी जाती है, ज्यादा दिन की सजा है, तब उन्हें नंबर बना दिया जाता है। ऐसे आप जाइएगा 10 दिन 14 दिन के लिए तो नंबर नहीं बनाएगा, ऐसे ही छोड़ देगा, यही कपड़ा पे छोड़ देता है, कपड़ा भी नहीं देगा आपको अलग से। लेकिन हाँ, अगर ट्रायल लंबा चलने वाला आपका, तब आपको नंबर देगा और आपको बैरक बताएगा किस बैरक में। उसमें कई बैरक होते हैं, यानी सेक्शन होते हैं, मतलब खतरनाक वाले को किस साइड में रखना है, जो नॉर्मल आया है पता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, भाई जब ये आया अभी 7 दिन में चल जाएगा, तो उसको दूसरे बैरक में रखता है। जेल में नाश्ता खाना सब तीनों टाइम मिलाकर हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग खर्च किए जाते हैं कैदियों के ऊपर। अगर भारत के आप टोटल राज्यों को लेंगे तो पर डे एक कैदी के ऊपर लगभग 52 रुपए का खर्च आता है, ये जेल मेन्यू के हिसाब से। जेल में जो नाश्ता दिया जाता है, सुबह 7 बजे नाश्ता आ जाता है, जिसमें एक चाय का कंपलसरी है। चाय के अलावा आपको कभी चना दिया जाएगा, कभी परोटी, ब्रेड, बिस्किट वगैरह दे सकता है या दलिया दे सकता है। ये सब बिस्किट वगैरह ये अंदर ही बनता है जेल के, ये काफी अच्छा होते हैं सब। नाश्ता तो कम से कम ठीक देते हैं सब। वो दोपहर का रियली इतना सारी खबर, सीरियसली मेरा तो मन चाहता सचाई अखनी जेले घुरे आसी। 11 से 12 बजे तक आ जाता है। लंच में अगर आप देखेंगे तो रोटी चाट रहेगी और आपको थोड़ा सा चावल और दाल दिया जाएगा, सब्जी, सब्जी कोई भी मौसमी सब्जी हो सकती है, दाल इतना रहेगा कि वो पानी की तरह पतला रहेगा दाल, आपको इसमें एकदम हल्का खाना दिया जाता है। रात का खाना भी दिन के खाने के समय सेम रहता है, बट रात के वक्त में चावल आपको नहीं दिया जाता है, रोटी जो दे दिया जाता है वो 6 दे देते हैं, चावल नहीं दिया जाएगा, दाल और सब्जी, सब्जी नॉर्मल टाइप की सब्जी रहती है जिससे खा के आप बीमार न पड़े। रात का खाना जो है ना वो शाम 5 बजे रेडी हो जाता है, आपका मन उसी टाइम खाइए या रात 9 बजे खाइए, उससे मतलब नहीं है, वो वहीं दे देगा। रात में खाइएगा तो आपको कोई गर्म करके देने वाला नहीं है, क्योंकि कैदी ही इस खाने को बनाए रहते हैं। इस खाने को जानबूझ के इतना हल्का रखा जाता है, तेल नमक एसिडिक चीज नहीं रखा जाता है, मतलब एकदम सादा दिया जाता है ताकि आप बीमार ना पड़े, क्योंकि जेल के अंदर जो हॉस्पिटल होता है बहुत नॉर्मल होता है, थोड़ी मोटी चीज का इलाज हो सकता है। जेल के अंदर तो कई बार ऐसा होता है कैदियों को खाना सूट कर जाता है, आते हैं दुबला पतला मोटा के चले जाते हैं कैसे कैदी यहाँ से। देखिए जेल के अंदर उसका अपना कैंटीन भी होता है जहां से आप अपने जरूरत की चीजों को खरीद सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को एक्स्ट्रा खाना खरीदना है तो वो एक्स्ट्रा ले सकता है, उसे लिखवाना पड़ेगा कि भाई जेलर साहब से कि भैया हमको इतना में पेट नहीं भर रहा, हमको 12 रोटी दीजिए, तो उसको दे देगा, खाना एक्स्ट्रा दे सकता है। आप चाहते हैं कि बाहर से मंगवा दे, घर से खाना मंगा दे, तो इसके लिए भी लिखवा के मंगाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है कि आपको बार बार अलाउ नहीं किया जाएगा, खाना आएगा तो भी चेक किया जाता है, बार बार अलाउ नहीं करेगा। हाँ लेकिन घर से जो मिलने उलने जाते हैं लोग, अचार सलाद उलाद का सामान दे देते हैं, क्योंकि आपको जब चटनी अचार ये सब वहां पे नहीं मिलता है, वहां जब जाइएगा तो आपको बर्तन वर्तन खरीदना पड़ेगा, प्लास्टिक के चम्मच वगैरह रहते हैं सब, नहीं तो ऐसे दे देगा स्टील स्टील का तो घोप घाप देगा सब, राइट पहुंचता है। वहां की कैंटीन से आप खरीद सकते हैं, आपके पास पैसे रहने चाहिए, और आपकी फैमिली से भी जो सामान आता है आप उस सामान को रख सकते हैं। देखिए जब आप जेल में जाते हैं तो जेनविन आप कुछ पैसे लेके जाते हैं, और अगर लंबे दिन तक रह गए तो जो आपसे मिलने जाता है वो भी पैसे आपको दे देता है, लेकिन इस पैसे का मिसयूज हो सकता है, जो आपसे सीनियर कैदी हैं सब
अपना जो मरखा टाइप का छीन लेंगे सब पैसा। तो इसको बटने के लिए क्या किया गया है कि जो जेल है, जेल का अपनी करेंसी होती है, ये भारत सरकार वाला जेल में पैसे देके चलता है, वहां कूपन चलता है। ये कूपन जो होते हैं आपके पैसे को कूपन में बदल दिया जाता है, तो आपकी करेंसी कूपन में बदल दी जाएगी और आप मैक्सिमम 2,000 रुपए का ही कूपन रख सकते हैं। वो कूपन आपको 2 रुपए का मिलेगा, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का इसी टाइप का कूपन मिलेगा, ये आपको दिया जाएगा। अब इस पे ना एक विशेष आप ही के नंबर का ये रहेगा, आप ही के नाम का, तो दूसरा कोई इसको चला नहीं सकता है कैंटीन में ले जाकर, इसलिए इससे आप आराम से बच सकते हैं। ये रखेगा तो कोई भी चला सकता है। अब 2,000 से ज्यादा आप नहीं रख सकते कैश, अगर कैश पकड़ा गया तो जब्त कर लिया जाता है और आपकी सजा भी बढ़ा दी जाती है। हालांकि बहुत से पहुंचने जो जान पहचान वाले कैदी होते हैं सब सीनियर, बहुत व्यवहार बना लेते हैं सब, अंदर बहुत सारी सुविधाएं ले जाते हैं सब, मोबाइल मिल जाता है। जेल में आप जाके मिल भी सकते हैं, आप परिजन है तो भी मिल सकते हैं, आप उसके मान लीजिए दोस्त यार कुछ भी आप जाके मिल सकते हैं। मिलने के लिए आपको 2-3 चीजें चाहिए। आपको पहले उस कैदी का नाम पता होना चाहिए, पिता का नाम और किस जेल नंबर में है। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो आपको नंबर वेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो वहां जाइएगा तो ऑफलाइन में 15 रुपया का पर्ची कटाइएगा तो 3-3 घंटा तो पहले आप ही को लाइन में खड़ा कर देगा, तब आपको मिलाएगा। आप ऐसे बाहर खड़े रहेंगे, अंदर कैदियों का ही एक कमरा होता है, अंदर से उसमें घुसा दिया जाता है, वो अंदर रहते हैं, आप बाहर रहते हैं। यहाँ बात कर सकते हैं, यहाँ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होता है। यहाँ आप सामान भी दे सकते हैं, बाहर के जो सिपाही खड़े रहते हैं कि अंदर जाके उस कैदी को दे दीजिएगा, ये सामान चेक करेंगे, अच्छा ठीक ठाक रहेगा तो दे देंगे, अगर इलीगल रहेगा तो ये लोग नहीं देते हैं और आपकी सजा को बढ़ा देते हैं। तो आप मिल सकते हैं, मिलने का टाइम 10 बजे से 3 बजे तक होता है, उसके 3 बजे के बाद जाएंगे तो मिलने नहीं देगा, 10 बजे से पहले जाएंगे तो नहीं मिलने देगा। आप वहां जाए अगर किसी से मिलने जाते हैं, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि फर्जी FIR में किसी को फंसा दिया जाता है, वो भी बता देंगे कि फर्जी FIR होता है तो कैसे आपके नाम को हटाया जा सकता है। और बहुत से स्टूडेंट्स को इस बात का डर रहता है कि जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उनका पड़ोसी वाला उल्टा सीधा केस में फंसा देता है, FIR करा देता है, तो टेंशन में आ जाते हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई साहब गारंटी देते हैं नहीं नौकरी जाने देंगे। अब उसको भी वीडियो में समझा देंगे कि कैसे आपके ऊपर FIR हो गया है तो उसे कैसे कटवा सकते हैं, और आप स्टूडेंट हैं आपका FIR हो गया, नाम चला गया, फिर भी आपका जॉब होगा, गारंटी बोलते हैं कि होगा। अब बहुत से लड़कों का ऐसा कराए भी है, नियम है, हम अपने घर से कराए, नियम है, बस आप नहीं जानते वो अलग बात है। तो आप उन लोग के लिए गिफ्ट वगैरह लेते जाइएगा, गिफ्ट मतलब क्या चीज, खाने पीने का अचार वचार ले लीजिएगा, थोड़ा सा घी वगैरह ले लीजिएगा, ताकि अंदर अच्छा खाना नहीं लगता है, बाहर का इतना ज्यादा आइटम रहता है अंदर जाके आदमी उब जाता है। गुटखा वगैरह नहीं ले जा सकते क्योंकि अंदर जो सफाई का काम होता है वो कैदियों को ही करना रहता है, गुटखा दे देंगे तो खा के थूक देगा। गुटखा खाते हैं, सिगरेट अलाउ है, ये सब चीजें अलाउ है, बस गंदगी वाला सिगरेट अलाउ। तो कहते हैं भाई जब हर चीज अंदर अलाउ है, बस आपका पहुंच होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा और पहुंच है ना तो जेल और बाहर में कोई खास फर्क नहीं समझ में आएगा। मिलने का मतलब ये नहीं कि डेली डेली मिलने जा रहे हैं, हफ्ते में आपको 3 बार ही मिलने दिया जाएगा, और बड़ा अपराधी है तो 2 बार, कई कई को तो हफ्ता में 1 बार अलाउ करता है। अब कुछ ऐसे भी अपराधी रहते हैं बहुत खतरनाक, उनको अलाउ ही नहीं करता है मिलने। तो ऑन एन एवरेज आप हफ्ते में 3 बार किसी जासे जाके मिल सकते हैं, 15 से 20 रुपए की आपको रसीद लगेगी मिलने के लिए। जेल के अंदर स्टडी रूम होता है, वहां जाके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी तो इतना अच्छा होता है कि उतना अच्छा इसे आपको नॉर्मल लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, आप वहां से अंदर जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं। इग्नू से आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आपका एग्जाम वगैरह भी होगा, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो आप बाहर में पढ़ाई नहीं किया मार्केट के अंदर जाएगा, लेकिन पढ़ते हुए भी देखे हैं। जेल के अंदर हर एक कैदी को खुद ही काम करना होता है क्योंकि अंदर सिपाही कम रहते हैं, मार धार करिएगा खूब पिटा जाइएगा ना तो आके छोड़ा देंगे सब। अंदर शांति से रहना चाहिए, अंदर भी जेल के अंदर भी ना ग्रुप होता है, वो उसके ग्रुप का है, वो उसके ग्रुप का है। अगर आपको ज्यादा दिन तक रहना है तो ग्रुपबाजी समझ जाइएगा, नहीं तो कुटा के आएंगे। उसमें क्या होता है, माली का काम होता है, जो जेल का कैंपस बहुत बड़ा होता है, जेल छोटा वोटा नहीं होता, अंदर जाएंगे तो एक दूसरे दुनिया है। वहां अंदर सब्जी वगैरह बोई गई रहती है, यही सब्जी आपको बनाने के लिए आ जाती है, कुछ अलग से भी सब्जियां वगैरह आती हैं, तो इसमें भी काम कर सकते हैं। कुक वाला, खाना बनाने वाले में भी काम कर सकते हैं। सबसे टफ यही काम होता है सबके लिए, खाना बनाओ वो भी टाइम से बनाओ। यहाँ पर इसके अंदर कुछ फैक्ट्रियां भी होती है जहां पे आपको सोफा बनाने के लिए आता है, कपड़े सिलने के लिए भी दे दिए जाते हैं सब, और जो होली में जो गुलाल लगाते हैं अबीर, वो भी इसके अंदर पीस के बनाना रहता है। कई सारे काम होते हैं, लेकिन ये जो काम वाला डिपार्टमेंट है ना, फैक्ट्री वाला डिपार्टमेंट, ये उसी को दिया जाएगा जिसको कोर्ट ने सजा सुना दिया है। लेकिन अगर कोर्ट ने आपको सजा नहीं सुनाया, अभी आप पर मुकदमा ही चल रहा है, तो इस पे नहीं देंगे सब, आपको ये सब हल्का हल्का काम कराएंगे। इस काम के बदले आपको पर डे का 20 रुपया मिलता है, यानी महीने का आपको टोटल 600 रुपया मिलने वाले हैं। आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप काम नहीं करिएगा तो बदले में आपको एक बार पैसा देना पड़ेगा। ये पैसा पर मंथ नहीं लगता है, एक बार जाइएगा तो जेलर पूछेगा काम कीजिएगा कि पैसा दीजिएगा, तो जो पैसा देते हैं उसे हाता कहा जाता है। अब ये जो हाता का अमाउंट होता है, ये डिपेंड करता है अलग अलग जेल पे, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन एक ही बार इस हाता को देना रहता है। लेकिन अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहता है। कोशिश करिएगा आप लोग, अगर
डॉक्टर गलती से चले, देखिए ऐसा नहीं है कि आप मर्डर करके kind of exercise. आपको कभी गलती से भी फंसाया जा सकता है. हम लोग कौन एक्सीडेंटल होते हम लोग का भी क्या था भाई, स्टूडेंट्स की मांग कर रहे थे लोग, उठा कर डाल दिया उसमें, तो काम का आप कर सकते हैं उसमें. तो ये सब काम थोड़ा सा इजी रहता है. काम का बदले फायदा क्या होता है कि आपको खाना अनलिमिटेड मिलेगा, आप जितना खाना चाहे खा सकते हैं, और खाने की थोड़ी सी कैटेगरी थोड़ी आपकी अच्छी कर दी जाती है. अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको खाना गिन के मिलेगा, 4 रोटी 6 रोटी इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहिए तो लिखवाइए वगैरह. तो काम करने वाले को कुछ अच्छा फैसिलिटी दी जाती है. देखिए कई लोग को लगता है कि जेल में ना जो एक दिन होता है वो 12 घंटे का होता है, ऐसा नहीं है. पहले अंग्रेजों के समय होता होगा ये, लेकिन अभी के समय में जो जेल का कानून है वो एक जैसे आपके लिए 24 घंटे का एक दिन होता है वैसे जेल में भी होता है. अब कुछ लोग कहते हैं किसी को 10 साल की सजा हुई तो 5 साल में आ जाएगा, ऐसा फिल्मों में भी होता था पहले का ही, लेकिन अभी के समय में अगर आपको 10 साल की सजा हुई तो 10 साल बाद निकलेंगे, यानी आपके लिए भी दिन जो है वो 24 घंटे का ही है. और दूसरा कुछ लोग को लगता है कि उम्र कैद में आदमी 14 साल में छूट जाता है. देखिए उम्र कैद का मतलब होता है कि आपको जिंदगी भर जेल रहना, आजीवन कारावास रहना है. ये 14 साल की बात क्या है कि जज ने अगर आपको सुना दिया कि आपको उम्र कैद की सजा है, तो संविधान में लिखा गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत तथा अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और 161 के तहत राज्यपाल आपकी सजा को माफ कर सकते हैं. तो ये जो 14 साल का थ्रेशोल्ड बनाया गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है ये उम्र कैद को 14 साल से पहले नहीं माफ कर सकते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 14 साल जेल बिता देते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि 14 साल तक किसी को समाज से अलग कर दीजिएगा तो नॉर्मल व्यक्ति जो छोटा मोटा गुंडा है उसका बाकी सबसे संपर्क टूट जाता है तो उसे माफ कर दिया जाता है. तो जनरली 14 साल में छूट जाते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल माफ कर देते हैं कि चलो यार गलती, बहुत बार तो अपराध आवेश में आके हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ देता है. कुछ कुछ एकदम सातिर अपराधी होते हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाता है. तो ये 14 साल मिनिमम है कि आपको इतना रहना ही है, इसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल माफ करेंगे तब समझिएगा. अब एक चीज देखेंगे कि जब जज जो होता है जब फांसी की सजा सुनाता है तो दो चीजें इस पे ध्यान दीजिएगा. फांसी की सजा सुनाने के बाद वो स्याही कलम को तोड़ देता है, वो इस बात का संकेत है कि अब हम आपके ये जो फांसी की सजा सुना दिए ना, हम जज होने के बावजूद भी अब इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, यानी ये कलम अब मेरी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि हम ये कलम रहने के बावजूद आपकी सजा में अब कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते. इसलिए जज को बड़ा सोच समझ के फांसी की सजा सुनानी पड़ती है और तोड़ देता है. ये तोड़ने की प्रक्रिया एक संकेत है, ऐसा नहीं है कि उसमें तो दूसरा कलम से नहीं लिख देगा, ये केवल एक दिखाने के लिए संकेत होता है. कैसे दुल्हा जाता है तो एक परछावना होता है उसका, वैसे एक तरह से समझिए. और इस पे लिखा जाता है टू हैंग टिल डेथ, लटकाओ तब तक जब तक मर ना जाए, क्योंकि इतिहास में एक बार घटना हुई थी, एक जज साहब ने फैसला सुना दिया था कि इस अपराधी को